सबन कहें रात बस्ट नमस्कार पहलाग आ छू बारिश हुई ललट सब जा छुट्टी छू लेकिन हम जा रहे हैं खेत में पहाड़ा चिल्ली बारियन गए कसले मौसम हो गुरबास में थे गा तब लगा पनो तो बारिश का मौसम हो फिर ले काटन इन गा खेतन में तो यह हर खेत में फसल लगभग तैयार छो धान पेपिंगवा सामने छो खड़िया खान खड़िया माइन चारों तरफ हॉल लाग रो और दो चार दिन में दान है जने दाना खेत बढ़िया रहे मौसम में थोड़ा भी दान का रखो मडुए की भी इतने बड़े बड़े बाल आए हैं धान के भी और घास हमने थोड़ा काट दिया है घास लेकर पूछ गो बीज बे तीन रो गुरबास ने की काचे ने हूँ ते विल हम बारिश है थोड़ा रुक रहे जब खेत में का काटन यहाँ खेत में धान देखो ये सुंदर धान है रहने बहुत बढ़िया धान रहा ये हो प्राऊ वाल धान रुपए वाला खड़ा रे रहा धान लेकर अच्छा बढ़िया रहा फिर माँ ये गाड़ में चापा माताल ठूल गाड़ में और इसलिए प्रेम मड्डू लिटी बनाए मड्डू ठूले बाल आ रहा थोड़ा बारिश रुक रहे थे अभी मौको फायद उठा भी मुन्नू ले टिपना गयो प्रेमा टिपना मुन्नू मुन्नू तो बहुत पौष्टिक चीज ए में कई पारक बहुत पौष्टिक अनाज हुयो कदान बाला रान प्रेम मन्नो फुल लारा दे कदी टिबले रे है ये कट बेरे है ना है अल्ली जा आई यो आई आई जत तो मन्नो नले थार खाने करिया अपन परिवार नले खवणे करिया अब मन्नो से कम बुइरान सब और ये मैं कैल्शियम एक बहुत मात्रा हूं पूरा खेत में मंडू हूँ आप तो मरण सब नया ले खेत बात लगभग लग रहे नील लेकिन मौसम कर आयो दो दान और सो जो जाने ली बारिश है रे बहुत तो तेल तो रुख बाढ़ लग गई बोलना खड़ी खाना था अभी बाढ़ लग गई ओ मत का खेत तो रुख लग रहा ना आदिम काम हो अरे आज ही नहीं हूँ हाँ तो नीचे है खड़िया की खान खेतों के नीचे पूरा खिसक रहा है उसमें लगा हुआ है मरम्मत के लिए काम आज 10 दिन में खड़िया ले मौसम बोलो यहाँ काम शुरू हो जाए फिर वे खड़िया खान में बहुत नवरात्रि में मैंने शुरू करा हाँ नवरात्रि से शुरू होगा खड़िया मायनों में काम फिर होगा यहाँ पूरा मेला भीड़ भाड़ बट बट भी बहुत हो रहे हैं देखो इतने बड़े बड़े पेड़ बट गए खेतों में धान लगाते हैं हमारे खेतों में यहाँ पहाड़ों में और किनारे किनारे बट सोयाबीन लगाते हैं अब हमने काट लिया है घास लगाते हैं बारी पूनम ने लगा दी भारी मेरी भारी लगानी बाकी है और इसी के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग ख़त्म अब हम चलते हैं घर को आपको दिखा दिया मैंने खेतों का नज़ारा नमस्कार मिलते हैं अगले ब्लॉग में इधर
झुन के बार लगा, झुन के बारी लगा दी मैंने। क्या भारी लगा दी फीस में मैंने, ये देखिए मेरी प्याज की भारी। तो साथियों अब मैं घासी पहुंच चुके हूं घर, और थोड़ा सा आपको घर के सामने का भी दिखाती हूँ। और ये है डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर ब्लॉक ऑफ कोर्ट का क्षेत्र रीमा रंगेली नाकुरी का सुंदर सा व्यू, डनकानों में हॉल लग रहा। और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको पुनः नमन, धन्यवाद।